सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। उत्तर पूर्वी दिल्ली को 3 केंद्रीय विद्यालय देने की श्रृंखला में सांसद मनोज तिवारी ने आज प्रथम केंद्रीय विद्यालय का भवन निर्माण का शिलान्यास शाहदरा क्षेत्र में किया। सांसद मनोज तिवारी ने हवन के द्वारा इसका शिलान्यास किया। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के बारे में बताकर सनसनी फैला दी। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अजय महावर, नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन प्रवेश शर्मा, भाजपा दिल्ली ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, प्रदेश मीडिया सह संयोजक आनंद त्रिवेदी, उत्तर पूर्वी दिल्ली ओबीसी मोर्चा के मीडिया संयोजक जितेंद्र प्रसाद सहित भाजपा और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। पर हर जगह सजग रह के जनता के हित की बात कर रही है। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, अपने सभी बड़े बुजुर्गों को, छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज का दिन पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से जुड़ा हुआ। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अगर अपना प्रयास नहीं किया होता, एक देश एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि उस समय, आज जब हम ये बातें करेंगे तो हो सकता है थोड़ा विवादित लगे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कश्मीर में परमिट लेकर के जाना पड़ेगा ऐसी व्यवस्था बना दी। अब आप सोचिए, आज हमारा जब मन करता है निकलते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, जम्मू जाते हैं, कटरा जाते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं, और थोड़ी स्थितियां कश्मीर घाटी में जो भी हो, लेकिन अगर हम चाहें तो जा सकते हैं। कोई माई का लाल हमको जाने से रोक नहीं सकता, और ये व्यवस्था किसी ने हमें, जब हम पश्चिम बंगाल जैसी जगह पे खड़े होकर भारत अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए खड़े होकर के जूझ सकते हैं, तो आप जानिए कि बेईमानों की सांस उल्टी चल रही है। के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे मित्तल जी ने करवाई है, जो मंच के बाईं तरफ है। ये भूमि पूजन मुख्य भवन का भूमि पूजन है। शिलान्यास हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने रखा ही था, और अब उसको, अभी जो मुख्य भवन है, बाउंड्री वाउंड्री सब काम करने के बाद, टेंडर होने के बाद, अब मुख्य भवन का निर्माण शुरू हो रहा है। ये सब हम सबों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और खुशी की बात इसलिए भी है कि हम लोग आज एक केंद्रीय विद्यालय को, जो अगले 6-7 महीनों में बन के तैयार हो जाना चाहिए, और हम फिर अलग 2 और केंद्रीय विद्यालय इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दें, ताकि शिक्षा के मामले में हम दूसरों की तरह सिर्फ कमरे न बनाते रहें, हम नए स्कूल बनाएं। अब देखिए, हमने तो पुलिस को बता दिया है, मैं अपने पूरी कार्य पद्धति में ये कोशिश करता हूँ कि न्याय हो, सबके साथ न्याय करें, और जो लोग भ्रष्ट हैं, जो राष्ट्र विरोधी घटनाओं में लिप्त हैं, हम उनके शत्रु हैं, और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो हमारी रक्षा के लिए दिल्ली है,
हमारी रक्षा के लिए दिल्ली के लोग हैं, पुलिस है, हमें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना न्याय करने की इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। क्या शिकायत दी है इस मामले में आपने? हाँ, शिकायत दे दी है मैंने, पुलिस में शिकायत दे दी है और वो नंबर भी दिया है जिस नंबर से मुझे SMS आया है। अब ये पुलिस डिसाइड कर लेगी, अब जो भी आएगा मैं जांच का उनके ऊपर, ये पुलिस का काम है। और लेकिन इस तरह से नंबर से ही डायरेक्ट कहना कि हम आपको अब जान से मार देंगे और मारने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, ऐसे लिखा है। और उसमें एक लाइन और लिखी है कि जरूरत पड़ी तो हम नरेंद्र मोदी जी को भी जान से मार देंगे। तो अगर ऐसी बात कोई फोन नंबर से डायरेक्ट लिख सकता है, वो कितना दुस्साहसी है, तो ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। हमें उसका कोई डर नहीं है, हमें अपने दिल्ली के लोगों पे और ईश्वर पे भरोसा है। हम अपनी न्याय की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम उसके लिए आंख नहीं मूंद सकते। आपकी बेटी का जन्मदिन है, आज क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिटिया का जन्मदिन है आज, वो 19 साल की होने जा रही है और मैं शाम को उसके पास निकलूंगा, तो अगले 24 घंटे मैं जरा उनके पास रह के बॉम्बे में है, फिर मैं लौटूंगा। मनोज जी, आपने भी क्या अपने उत्तर पूर्वी जिले को ऐसे सर्वे कराया कि जिसमें अवैध मस्जिदों के बारे में खुलासा हुआ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम लोगों की आंखों के सामने है, आने लगा मैटर तो सर्वे कराना ही था। और हम इस बात को कहते हैं, हम सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी ऐसी धार्मिक निर्माण जो इलीगल है, बिना किसी परमिशन के बन रहा है, सरकारी जमीनों पे बन रहा है, तो उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये एक खतरनाक स्थिति खड़ी हो रही है। जी, आज देखिए, हमारे उत्तरी पूर्वी लोकसभा में पहले केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। पूरे दिल्ली प्रदेश में 42 से लेकर और शायद 50 की संख्या तक बीच में केंद्रीय विद्यालय आज तक बने हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारी उत्तरी पूर्वी लोकसभा का कि मनोज तिवारी जी के आने के बाद पहला ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बना है। और दो और के लिए भी उन्होंने अनुमति ले ली है, HRD मिनिस्टर जो अपने निशंक जी हैं उनसे, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, कि जिनके बच्चे अपने क्षेत्र में ही अपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ पाएंगे। जी, मनोज तिवारी जी को, उसके बाद आनंद त्रिवेदी जी ने इसके लिए बहुत काम किया है। उनको दसियों बार ये धमकी दी गई कि अगर इस ज़मीन को आपने लेने की कोशिश करी, जो कि सरकारी ज़मीन है, इस पर हमारे बाप दादा रहते थे, और इस तरीके की धमकियाँ बहुत सारे समाज के व्यक्तियों ने, बहुत सारे लोग यहाँ के भी संलिप्त उन्होंने दी। लेकिन एक बात कह देना चाहते हैं कि इस पुनीत कार्य पर, आज ये शहीदी दिवस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, इस पर हम लोग भी कसम खाकर कहते हैं, अगर 1% इस स्कूल के आने में कोई दिक्कत हुई, या मनोज जी पर या आनंद जी पर कोई किसी ने आँच उठाने की कोशिश कर, तो हम भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं और मरने मिटाने के लिए हम तैयार रहेंगे उनके साथ में। आज उद्घाटन नहीं हुआ है, पिछले दिनों जब केंद्रीय विद्यालय यहाँ पास हुआ था, तो तब के तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उस समय आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। लेकिन कुछ कानूनी अड़चन, कुछ लोगों ने उसमें अड़ंगी डाली, कुछ लोगों ने इसको कोर्ट में ले जाने का प्रयास किया, इसको विवादित करने का प्रयास किया। उसके बाद उन सब झंझटों से मुक्ति पाकर अब इसकी, चूंकि 4 दीवारी हो चुकी है, मुख्य भवन के आज निर्माण के लिए भूमि पूजन का आज आयोजन था, जिसमें सांसद श्री मनोज तिवारी जी स्वयं उपस्थित हुए थे। जिनके अपने व्यक्तिगत हित, स्वार्थ और इस कामयाबी से चिढ़ने की जो ईर्ष्या का जो भाव है, उसके कारण कुछ लोगों ने उनको धमकी दी है। मैं इसकी निंदा करता हूं, कठोर शब्दों में करता हूं, और वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, इस विकास की गंगा को रोक नहीं पाएंगे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, उनके बलिदान से हमने बहुत प्रेरणा ली है। आज उनके कारण कश्मीर है, हम बगैर परमिट के आते हैं। यहाँ भी जो विद्यालय है, यहाँ पर आप देखो ना कितनी विडंबना है, 70 साल में 56 विद्यालय हैं केंद्रीय विद्यालय, और उसमें से एक भी नहीं उत्तर पूर्वी में। कितनी बड़ी, इस 56 विद्यालय में से एक विद्यालय नहीं होना कितनी बड़ी साजिश है इस क्षेत्र के साथ। लेकिन मनोज तिवारी जी ने शुरुआत की है और 2 और केंद्रीय विद्यालय, करावलगढ़ बुराड़ी, 3 केंद्रीय विद्यालय का तोहफा इस क्षेत्र को दिया है। निश्चित रूप से
इस क्षेत्र की जनता मनोज तिवारी जी का और शिक्षा मंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती है, धन्यवाद करती है।